इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिप के बारे में, पाईपाई के बारे में, कि एक्सटर्नल पैकेजेस को पाइथन में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। हमारे साथ जब हम लोग पाइथन इंस्टॉल करते हैं ना, तो जो स्टैंड अलोन बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं जो इंस्टॉल के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं, वो सारे हमारे पास पहले से होते हैं, उनको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। वो पैकेजेस होते हैं जो पाइथन के साथ आते हैं जब आप उसे इंस्टॉल करते हो। आज तक जो भी हमने इस कोर्स में यूज़ किया हुआ है पैकेज, वो सब कुछ हमने इंपोर्ट करके यूज़ किया है जो स्टैंडर्ड पाइथन के साथ आते हैं। लेकिन उनके अलावा बहुत सारे और पैकेज हैं जो लोगों ने बना के रखे हैं, क्योंकि पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो इतने सारे लोग हैं दुनिया में टैलेंटेड, उन लोगों ने क्या किया है, अपना अपना पैकेज बना दिया है, अपने अपने टूल्स बना दिए हैं काम आसान करने के लिए, और उसको पाइथन की रिपोजिटरी में डाल दिया है ताकि उसको सब यूज़ कर सकें, ओपन सोर्स कर दिया है। तो जो रिपोजिटरी है ना, जहां से हम लोग थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो उसका नाम है पाईपाई। आप ये इसका जो स्पेलिंग है वो ये है, पाईपाई। ये रिपोजिटरी है ओपन सोर्स पाइथन की। आप यहां से थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको चाहिए अपने काम के लिए। थर्ड पार्टी मतलब, फॉर एग्जांपल, आपको अगर गेम डेवलपमेंट करना है, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाने हैं, आपको कुछ मैनुअल काम करना है, कुछ और अलग से टूल डाउनलोड करना है नेटवर्क वगैरह, पेन टेस्टिंग वगैरह के लिए या डेटा साइंस के लिए कुछ भी है, तो उसके लिए आपको अलग से टूल्स चाहिए होते हैं। सबके सब आपको पाइथन के साथ नहीं मिलते हैं। तो इस पाईपाई रिपोजिटरी के साथ मेरे को अगर वहां से पैकेज डाउनलोड करना है, तो वो तो एक रेपो है, वहां से मेरे को एक पैकेज मैनेजर चाहिए वहां से। तो हमको जब पैकेज डाउनलोड करना है वहां से रेपो से, तो हमको एक टूल चाहिए, हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर आपके पास पहले से आता है जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो ऑफिशियल वेबसाइट से। तो उसका नाम है पीआईपी, पिप भी बोलते हैं इसको, हम लोग बेसिकली पिप बोलते हैं। तो ये है, ये क्या है, ये पाइथन का पैकेज मैनेजर है, पैकेज इंस्टॉलर है, जो आपको साथ में मिलता है पाइथन के। इस कमांड का यूज करके, इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पाईपाई से। तो एक्सटर्नल पैकेजेस आप लोग इससे इंस्टॉल कर सकते हो कमांड लाइन के थ्रू। लेकिन अगर आप एक आईडी यूज कर रहे हो ये पाईचार्म जैसा, तो इसमें पाईचार्म में क्या होता है, बहुत आसान कर दिया है। यहां पर आप पाईचार्म में जीयूआई के फॉर्म में भी बहुत आसानी से पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं थर्ड पार्टी। पाईचार्म से कैसे किया जाता है मैं आपको पहले बता देता हूं। यहां पे आप जाएंगे फाइल में, फाइल के अंदर है सेटिंग्स, तो सेटिंग्स में जाते हैं। उसके बाद आपको ये ऑप्शन खुलेगा, एक टैब है प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर का। तो इसके अंदर आपको ये सारे पैकेजेस जो दिख रहे हैं वो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं अलग से, तो इनका वर्जन्स वगैरह सब दिख रहा है जो पहले से मेरे पास इंस्टॉल्ड है मेरे पैकेज में, जो मैंने पहले से करके रखे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्लस साइन दिख रहा होगा राइट में, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी टूल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली सारे टूल्स हैं जो रिपोजिटरी में हैं। हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई टूल हो या कुछ टूल्स इसमें ना हो, ये थोड़ा आउटडेटेड हो, इसलिए आप अपडेट कर लीजिएगा इसको। लेकिन आपको अगर सर्च करना है तो आप आसानी से यहाँ पर सर्च कर सकते हो जो टूल आपको चाहिए थर्ड पार्टी वाला। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्केपी चाहिए, तो मैं स्केपी यहाँ से लिखूंगा, तो यहाँ पर स्केपी मिल गया। अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल पैकेज का, तो आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। और कोई और पैकेज है जैसे कलरामा, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक और लाइब्रेरी है ब्यूटीफुल सोप, स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ब्यूटीफुल सोप भी है। तो ऐसे करके थर्ड पार्टी पैकेज पाईचार्म में इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जब आईडी यूज़ करते हैं ना, तो बहुत एकदम बेफिक्रे हो जाते हैं, हमको कुछ आता नहीं है, मतलब बेसिकली सब काम हमको करके मिल रहा है। तो हमको बेसिकली जो चीज़ें पहले होती थी, जो एक्चुअल में करनी चाहिए, जिस तरीके से हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग कमांड लाइन में देखते हैं पिप कैसे यूज़ करते हैं, वो देखते हैं अभी पहले। तो पिप क्या है, एक कमांड लाइन यूटिलिटी है, आप उसे सीएमडी से यूज करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट आप विंडोज में यूज कर लो, और अगर आप मैक या लिनक्स यूज कर रहे हो तो टर्मिनल बोल सकते हो उसको। तो आप पहले टर्मिनल खोल लोगे, यहां से मैं सीएमडी खोल लेता हूं। तो प्रॉपर परमिशंस चाहिए आपको, यहां पर आप एडमिन रन कर रहे हो तो ठीक है, एडमिन के हिसाब से आपको रन करना है। फिर से मैं करता हूं इसको, तो यहां पर कमांड लाइन में आपको कमांड टाइप करना है पिप पीआईपी। ये एरर आपको आएगा, मतलब सबको नहीं आएगा, मतलब किसी किसी को ये एरर आएगा, क्योंकि आपने जो पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, ये पिप भी वही इंस्टॉल होता है आपके पाइथन की डायरेक्टरी में। तो अगर आपने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाइथन को नहीं डाला है, तो ये एरर आएगा, कमांड वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। मैंने शायद ये पहले भी बताया है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे, यहाँ पर मैं कहाँ गया हूँ, दिस पीसी में, यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे,
उसके बाद एनवायरमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, और इसमें दो तरीके के होते हैं, यूजर वेरिएबल्स, सिस्टम वेरिएबल्स। आप सिस्टम में करेंगे तो सारे यूजर्स के लिए हो जाएंगे, वो यूजर के लिए करेंगे तो सिर्फ एक यूजर के लिए होंगे। मैं सिस्टम में करता हूँ, यहाँ पे एक पाथ वेरिएबल होता है पाथ, तो इसको आपको एडिट करना है। यहाँ पर आपको दो वैल्यूज डालनी है। तो अपने पाइथन इंस्टॉलेशन में आ गया मैं, यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा इसका पाथ, यहाँ पर मैं ऐड करूंगा न्यू और एंटर। एक और हमको ऐड करना है ये स्क्रिप्ट्स, यहाँ जो स्क्रिप्ट्स फोल्डर है ना, इसके अंदर होता है पिप आपका इंस्टॉल, तो आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर ऐड कर दो, बस सिंपल यही करना है। ओके कर दो, ओके कर दो, सेव हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, अब आप इसको बंद बंद कर दो, फिर से आप स्टार्ट करो इसको। अब आप टाइप करके देखो और आना चाहिए, तो मेरा पिप अब स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे यहां पर पिप का एक सिंटैक्स होता है, पहले आपको क्या करना है, पिप टाइप करना है और पिप के बाद इंस्टॉल, उसके बाद जो पैकेज आपको चाहिए उस पैकेज का नाम आपको डालना है। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए कलरामा, COLORAMA, तो ये मेरा पैकेज का नाम है। अगर मैं कोई इंस्टॉल करना है तो मैं ये कमांड लिखूंगा, एंटर करेंगे, और ये क्या करेगा, रिपोजिटरी से इस पैकेज को ढूंढेगा और वहां से डाउनलोड करेगा और फिर सेटअप करेगा यहाँ पे। तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, छोटा सा था बहुत। ऐसे करके आप बाकी टूल्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मेरे को स्केपी चाहिए, जो पेन टेस्टिंग में बहुत यूज आएगा आपको जब पाइथन से आप करेंगे, तो स्केपी अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो पहले से डाउनलोडेड था तो ये फिर से नहीं किया इसने, ये बस अब इंस्टॉल कर रहा है इसको। तो ऐसे इस तरीके से आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं थर्ड पार्टी। सिंपल सा दो तरीका था, मैंने आपको दोनों बता दिया। और ये एक वार्निंग है कि आप पिप को अपडेट कर लें ताकि नए नए पैकेजेस भी हैं वो भी इंस्टॉल हो पाएं सही से। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से, यहाँ पर ये जो रेपो है कहाँ से ये डाउनलोड कर रहा है। आपने इंस्टॉल किया है तो पता कैसे चलेगा कि वो सच में इंस्टॉल हुआ है? तो यहाँ पर हम लोग थर्ड पार्टी को कैसे इम्पोर्ट करते हैं, पैकेज को कैसे इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट स्केपी, ठीक है। यहाँ पर मेरा स्केपी पहले नहीं था इंस्टॉल्ड, लेकिन मैंने किया तो यहाँ पर ये कोई एरर नहीं दे रहा है, और मेरा जो कलर रामा था वो भी यहाँ पर आ जाएगा। पहले नहीं था लेकिन अभी मैंने इंस्टॉल किया है। और एक पैकेज है जो मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया है, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल सोप, तो वो अगर मैं इंस्टॉल नहीं किया हूँ तो यहाँ पर कोई सजेशन भी नहीं देगा वो, और बस एरर बताएगा। तो अगर मैं वो भी इंस्टॉल करता हूँ ना, तो उस केस में आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं।